लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी में वोटिंग करवा ले एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को, यानी जो जमीनों का इशू चल रहा है, तो लोग जो है 85% लोग हमें ही वोट देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बड़ी अश्योरेंस से ये कह रहे हैं कि अगर जमीनों का जो नया सर्कुलर हम लेके आए हैं कि लोगों से स्टेट लैंड हो, काचराही लैंड हो या रोशनी की लैंड हो, अब लोगों से ली जाएगी। लेकिन इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक बहुत खूबसूरती से कोट करते हैं कि गरीब लोगों की ना तो जमीन ली जाएगी, ना ही उनके रोज कमाने वाला और खाने वाली दुकानें तोड़ी जाएंगी। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कहते हैं कि अगर हमने बार बार कह दिया है और गृह मंत्री अमित शाह यानी होम मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है कि हम गरीब को तंग नहीं करेंगे, उनकी दुकानों को नहीं तोड़ेंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि आप आज ही और अभी जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप वोटिंग करवा लें कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, तो 85% वोट जो है वो हमें ही मिलने वाले हैं, यानी सरकार को ही मिलने वाले हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर किसी गरीब की एक दुकान, अगर किसी गरीब का एक कमरा भी टूटता है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। यानी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे धड़ल्ले से ये कह रही है कि हम किसी गरीब को तंग नहीं करेंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के निशाने पर जो है वो बड़े बड़े मगरमच्छ है और वो लोग हैं जिन्होंने उनकी जमीनों को हथियाया है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो जनता को सड़क पर लेकर आ रहे हैं और रोज कहते हैं कि चलिए आप प्रोटेस्ट करिए ताकि आपकी आड़ में हम छिप जाएं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि ये सरकार की जमीन है और सरकार वापस लेके रहेगी। तो ऐसे में जो बड़े बड़े पूंजीपति ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सरकार की जमीनों को हथियाया है अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपनी फैमिलीज के नाम पे, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं ना, उन्हें पता था कि वो अपने नाम पे जितनी भी जमीनें करवा ले उनका एक दिन काला चिट्ठा जो है वो जरूर खुलेगा, इसीलिए वो बड़े होशियार थे। उन्होंने इन जमीनों को अपने रिश्तेदारों के नाम पे खरीदा और अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर खरीदा, कईयों ने अपनी बीवियों के नाम पर खरीदा और उन्हें लगा कि हम बच जाएंगे। लेकिन आपको साथ साथ मैं ये बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कड़े कानून को ले आए हैं जम्मू कश्मीर में, और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी एक ऐसी सरकार आएगी जो लोगों से इस तरह पे गिरेवान से पकड़कर उनसे जमीन लेगी। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं कि गरीब लोगों को सड़क पर आने की जरूरत नहीं, गरीब लोगों को कहने की कोई जरूरत नहीं कि सरकार हाय हाय हमारी बात नहीं सुन रही। गरीब लोगों का घर नहीं टूटेगा, वो अपने अपने घर पर रहे, अपने बच्चों को खाना पका के खिलाए, उन्हें स्कूल भेजे, उन्हें सड़क पर आने की जरूरत नहीं। और जो उनकी आड़ में उन्हें बहला फुसला कर अमीर लोग जो हैं वो उनका फायदा उठा रहे हैं और सड़कें भर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाहे वो सड़क पर आके वो अमीर लोग सो भी जाएंगे तो उनसे हम अपनी जमीन वापस लेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं कि जितने भी डीसीज हैं, एडीजीपीज हैं, उन्हें आदेश दे दिए गए हैं कि ये ड्राइव जो है वो स्मूथली चले, और साथ ही साथ जहां तक बात करते हैं जितने भी डीसीज हैं उन्हें कहा गया है कि एक पोर्टल है उस पर आपको रोज के रोज जो है वो लिखना है, उस पर रोज के रोज डाटा जो है आपको बताना है कि कितनी जमीन आपने रिट्रीव करवाई है, और वहां के डीसी जो है वो लोगों से मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर स्कूल बनेगा, प्लेग्राउंड बनेगा, बसेस बनेगी, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट बनेगा या उस पर कोई ऐसी चीज बनेगी जो लोगों के फायदे के लिए होगी। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने कहा है कि जो वेस्टीज इंटरेस्ट के लोग हैं उनसे हम जमीनें वापस लेंगे और सपोर्ट करेंगे अपनी लोकल पब्लिक को, और अपनी जो लोकल पब्लिक है उन्हें हम हरास नहीं होने देंगे। ऐसा कब कहा ये भी आपको बताते हैं। सिविल सर्विसेज ऑफिस इंस्टीट्यूट में जब वो शाम को एक मीटिंग को गैदर कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने इस पर भी चर्चा की और आज उनका ये बयान बहुत वायरल हो रहा है कि वो इन लोगों से जमीनें जरूर हथियाएंगे जिन्होंने अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार वालों के नाम के जमीन जो है वो खरीद के रखी है, और वो कह रहे हैं कि मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप वोटिंग करवा ले, 85% वोट हमारे ही हक में होंगे। और उनका ये भी कहना है इसके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कि यहाँ पर 2 लाख ऐसे लोग हैं उनकी नजर में जिन्होंने किसी का हक छीन के दूसरों को हक दिया है, यानी जो गरीब थे वो दबते चले गए और जो अमीर थे और रसूखदार थे वो रसूखदार होते चले गए। अब डिविजनल कमिश्नर, एडिशनल डीजीपीज और डीसीज और एसएसपी को ये ऑर्डर दिए गए हैं, अगर कोई आपके रास्ते में आता है और आपको उनके प्रभाव से डरने की जरूरत नहीं है, आप वो सुनिए जो आपको ऊपर से ऑर्डर दिए गए हैं और आप उनकी लिस्ट तैयार कीजिए। पर उन्होंने ये कहा अगर किसी भी गरीब का घर टूटा तो उस ऑफिसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अगर किसी गरीब की एक ईंट टूटी तो उस ऑफिसर को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा और तभी उन्हें जो है वो सस्पेंड करने के आदेश दे दिए जाएंगे। और आगे वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा इशू हुआ था कश्मीर में लेकिन उसे भी जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और यहाँ पर एक और बात कहते हैं जिसे सुनने के बाद आपको जो है हैरानी होगी।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आने के बाद मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पर मैं उन लोगों से भी मिला हूँ, उन लोगों के भी नाम जानता हूँ जिन्होंने जमीनें हथियाते हुए 50 साल तक आर्मी से भी पैसे खाए हैं। उन जिन लोगों ने आर्मी को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने हमारे जवानों को नहीं छोड़ा, तो वो लोग क्या गरीब पब्लिक के बारे में सोचेंगे? अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कह रहे हैं हमने गरीब लोगों के बारे में सोचा है, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बने, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, क्या वो लोग हमारे साथ हैं? तो आज ही हम वोटिंग कराते हैं, 85% लोग हमारे खाते में हमें वोट देंगे और 15% वो होंगे जिन्हें डर है कि सरकार हमारे आशियाने ना ध्वस्त कर दे, और वो बहुत ही पूंजीपति लोग हैं और वही लोग इन गरीब लोगों को बरगला रहे हैं। अब आम लोगों के लिए राहत है, वो अपने घर के अंदर रहे, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहे, उन्हें स्कूल भेजे, खाए पिए और मस्त होकर सो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन आपके घर नहीं तोड़ेगी, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान का तालाब।